हरियाणा में जो एजिटेशन चल रहा है उसकी वजह से मुनक नहर से जो पानी आता है दिल्ली के अंदर वो पानी बंद कर दिया गया है, और पिछले दो दिन से परसों रात से पानी बंद है जो कि दिल्ली को सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस क्रिएट हो गई है। एक तरफ हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से और हरियाणा सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो नहर का पानी दोबारा चालू करवाया जाए। कल भी हमने काफ़ी, मैंने खुद पर्सनली राजनाथ सिंह जी से और मुख्यमंत्री हरियाणा से बात की थी, उनसे निवेदन किया था कि आर्मी को भेज के वहाँ पे पानी चालू करवाया जाए। वो अपनी कोशिशें कर रहे होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अपने को दिल्ली के अंदर इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर तुरंत भी वो नहर का पानी चालू हो जाता है तो भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं सारे के सारे, उनको पानी को पहुंचने में और चालू कराने में 24 घंटे कम से कम लग जाएंगे। तो इसको देखते हुए इस वक्त हमारी इमरजेंसी मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया कि अब पानी लगभग खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर, तो ये निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, अस्पताल और फायर ब्रिगेड, इनको छोड़ के बाकी जितना भी पानी है वो दिल्ली के लोगों में बराबर बराबर बांटा जाए। उस कटौती में मैं भी शामिल हूँ और मेरी दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के उम्मीद अपील है कि पानी को बचा के रखें जितना ज़्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि इसी पानी में अपने को हो सकता है, अगर समाधान तुरंत भी निकल आए तो एक दो दिन हो सकता है कि इसी पानी में अपने को गुजारा करना पड़े। इसी को देखते हुए कल स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। इस वक्त दिल्ली में पानी का एक गंभीर संकट है, इतना बड़ा संकट पहले कभी इस शहर में नहीं आया है। 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे बंद हैं और एक महत्वपूर्ण निर्णय अभी इस इमरजेंसी मीटिंग में ये लिया गया है कि केवल राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं दिल्ली के अंदर, हॉस्पिटल्स और फायर ब्रिगेड, इनको छोड़कर बाकी सब जगह अब पानी बराबर रूप से कटौती की जाएगी। और ये जो संकट है दिल्ली वालों के ऊपर जो आया हुआ है, इसमें अब सबको बराबरी से भागीदार होना होगा, ये एक निर्णय महत्वपूर्ण लिया गया है। और दूसरे, पानी की कमी, क्योंकि गेट अभी तक खुला नहीं है और अगर किसी तरह से आज खुलता भी है तो अब कल पानी तो नहीं आ पाएगा, 24 घंटे लगेंगे एक बार गेट खुलने के बाद भी। तो कल दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कपिल, एक कितना पानी बचा, क्योंकि अगर राशनिंग भी शुरू की जाती है, कितना पानी है दिल्ली में? नहीं, अब हमारे पास पानी नहीं बचा है। इस वक्त की जो सुबह की हम लोग कुछ सप्लाई कर पाए थे वो था, कुछ टैंकर इमरजेंसी के लिए जैसा कि कल हमने बताया था वो किया गया है, साउथ और ईस्ट से बाकी दिल्ली में टैंकर की सप्लाई का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, लेकिन स्थिति अब यह है कि अब हमारे पास पानी नहीं है। अब हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार को किसी तरह से वो गेट खुलवाना होगा।